मसूरी में राजपुर विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी रहे बिल्लू वाल्मीकि द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कुछ लोगों के द्वारा उन पर हमला किए जाने पर कार्यवाही न किए जाने को लेकर मसूरी शहीद स्थल पर मसूरी पुलिस के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और कोषाध्यक्ष नरेंद्र उनियाल ने बिल्लू वाल्मीकि का समर्थन करते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों से बिल्लू वाल्मीकि को न्याय देने की मांग की है। बिल्लू वाल्मीकि ने कहा है कि चुनाव के दौरान पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा उनके कुछ साथियों के साथ मसूरी मासोनिक लॉज बस स्टैंड पर स्थित दुकान में घुसकर जानलेवा हमला कर उनको जलाने का प्रयास किया गया था, जिसका उनके द्वारा मसूरी पुलिस में मेडिकल सहित शिकायत की गई थी, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के साथ SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। परंतु SC ST एक्ट दर्ज होने के बाद भी पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई। वही इस पर सामाजिक कार्यकर्ता बिल्लू वाल्मीकि का क्या कहना है, सुनिए। 17 फरवरी को जो नगर पालिका अध्यक्ष हमारे अनुज गुप्ता जी, उन्होंने मेरी दुकान में घुसकर मेरे साथ मारपीट करी और कोई कारण नहीं था, सिर्फ इतना था कि वो बार बार मेरी दुकान को तोड़ने की बात करते थे। उसी विषय में मेरी बात हुई उनसे और तो मैं हुई, उसके बाद वो चले गए। थोड़ी देर के बाद आए, उन्होंने 4-5 लड़के ले आए साथ में और वो मेरी दुकान में घुस गए, उन्होंने अपने साथ मारपीट करी। ये मेरी चोट लगी, जो एक छुरी थी वहाँ सब्जी काटने की, उससे उन्होंने मार दिया। फिर उन्होंने गैस सिलेंडर था वो खोला मुझे फूकने के लिए और भंगी चमार बोला, कहा कि हम तुम्हें जो यहाँ दुकान नहीं करने देने का। उसके बाद मैं मेडिकल करवा कर थाने गया, थाने में मैंने रिपोर्ट दर्ज करी तो कोतवाल साहब ने उस समय तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करी और उसके थोड़ी 3-4 दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज करी तो बहुत हल्की धाराओं में उन्होंने केस दर्ज करा उन्हें बचाने के लिए। अब ये नहीं कह सकता क्या कारण है क्या कारण नहीं है, जिन धाराओं में उन्होंने करना था उन धाराओं में नहीं लगाया, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसमें मेरी दुकान में घुसकर मेरे साथ मारपीट करी चेयरमैन साहब ने, अनुज गुप्ता जी ने, और उनके साथ 4-5 आदमी थे। फिर जो मेरी दुकान में काम कर रहे थे, जो कुलदीप नाम का लड़का था उसकी वाइफ थी, उन दोनों ने बयान दिए, एफिडेविट में लगा रखे हैं CO साहब के पास, और CO साहब को बयान भी दे दिए उन्होंने, उसके बाद भी वो उन्होंने गिरफ्तार नहीं करे। जबकि सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने जो संशोधन किया था एक्ट में वो बहाल हो गया और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उसमें आदेश कर दिए हैं कि किसी भी ऐसी के अगर आदमी सताया जाएगा तो पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जमानत होगी, जांच होगी। तो हमारे जो मसूरी थाना है और मसूरी के जो हमारे CO साहब हैं वो जांच कर रहे हैं, और मेरा उनसे ये कहना है कि पहले आप गिरफ्तार करिए, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। मेरा आपके माध्यम से और शासन प्रशासन से निवेदन है कि उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, और अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता आज की तारीख में, मुलजिम तो है ही है, भले छोटी धाराओं में अगर केस दर्ज हुआ तो मुलजिम तो है आज की तारीख में, और वो बेफिक्र घूम रहे, ऊपर से वो धौंस भी दे रहे हैं मुझे बार बार,